हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव प्रोफेशनल वर्ल्ड में। इस बार हम आपके लिए पॉलिटिकल के ऐसे नए क्वेश्चंस लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इसे जरूर पढ़ लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं न्यू क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ चेकअप्स टू प्रेग्नेंट वुमेन? किस स्कीम के अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PMSMA। और यह अभियान शुरू हुआ था 9 जून 2016 में, जिन्हें शुरू करने वाले थे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर है साइमन कमीशन, और इस कमीशन की नियुक्ति सर्जन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी। इस आयोग में भारत का एक भी मेंबर नियुक्त नहीं किया गया था, जिसके कारण भारतीयों ने स्वयं को अपमानित समझा और इस आयोग का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, रिलीफ प्रोवाइडेड आफ्टर नेचुरल कैलामिटी कम्स अंडर विच लिस्ट? प्राकृतिक आपदाएं आने पर किस लिस्ट के अंतर्गत सहायताएं प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान में तीन सूचियों का उल्लेख किया गया है, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत कई विषय शामिल हैं, जैसे फौजदारी विषय, औद्योगिक विषय, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक संघ, सामाजिक योजना आदि। अगला क्वेश्चन है, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक प्रभाव में रहता है? तो इसका सही आंसर है 6 weeks, यानी 6 सप्ताह तक। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश संसद द्वारा पास एक्ट जैसी ही होती है, परंतु संसद का अधिवेशन आरंभ होते ही अध्यादेश को संसद के सम्मुख स्वीकृति के लिए रखना पड़ता है, नहीं तो इस अधिवेशन के आरंभ होने से 6 सप्ताह पश्चात वह अध्यादेश स्वयं ही रद्द हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 61। इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, और जब भी महाभियोग लगाया जाए तो इस आरोप का प्रस्ताव राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दिया जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रोलेट एक्ट पास्ड? रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो इसका सही आंसर है 1919 में। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति की स्थापना की गई, और इस समिति ने ही रोलेट एक्ट बनाने की सिफारिश की, बट इस नीति में अंग्रेजों द्वारा जो भी विधि अपनाई गई या जो भी रूल्स बनाए गए वह भारतीयों के अगेंस्ट थे, इसलिए भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में बदलाव कौन लाता है? तो इसका सही आंसर है द पार्लियामेंट, मतलब संसद। अनुच्छेद 79 में, यानी 79 में, संसद का गठन राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति से मिलकर होता है, और संसद के पास पूरा अधिकार होता है संविधान में बदलाव लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन रिलेटेड टू उड़ान स्कीम बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा चलाई गई उड़ान स्कीम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उड़े देश का आम नागरिक, यह उड़ान की फुल फॉर्म भी है और इस क्वेश्चन का आंसर भी। इस स्कीम को लॉन्च 21 अक्टूबर 2016 में अशोक गजपति राजू जी के द्वारा किया गया था, बट इसकी शुरुआत जनवरी 2017 में की गई, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति को फ्लाइट में सफर कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत में नागरिक सम्मान के लिए कौन सा अवार्ड सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत रत्न, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई थी, और इनकी स्थापना करने वाले हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे।
अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल्स सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन। किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 6, क्योंकि यही एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार दिया गया है। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यस सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।